आज हम गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की ट्रेडिशनल स्वीट पूरणपोली बनाएंगे। पूरणपोली बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से हमारी पूरणपोली बिल्कुल फटे नहीं और फूली फूली बने, वो भी आज की रेसिपी में हम देखेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पूरणपोली बनाने के लिए हमें 2 कप चने की दाल लेनी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को हम अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेंगे। दाल के ऊपर एक पाउडर लगा हुआ होता है, तो वो जब तक निकल नहीं जाता तब तक हमें इसे साफ कर लेना है। 2 से 3 बार पानी से साफ करने से दाल के ऊपर वाला जो पाउडर है वो चला जाएगा। इतनी क्वांटिटी में से आप मीडियम साइज की 10 पूरन पोली तैयार कर सकते हैं। दाल को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। दाल को भिगो कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 2 कप चने की दाल ली है, तो इसके अंदर हम 2.5 कप पानी डालेंगे। अब जितनी दाल ले रहे हैं उससे 2.5 गुना आप इसके अंदर पानी डालें और उसे 3 से 4 विसल आने तक प्रेशर कुक करें। या तो फिर आप इसे 12 से 15 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रेशर कुक कर लें। दाल जब तक पक रही है तब तक हम पूरणपोली का आटा लगा देंगे। पूरणपोली बनाने के लिए गेहूं का आटा और मैदा दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसके अंदर हम 1/2 कप मैदा डालेंगे। पूरणपोली के आटे में इस तरह से मैदा डालना ज़रूरी है। मैदा डालने से पूरणपोली जब हम बेलेंगे तो फटती नहीं है। नमक डाल देंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार और 2 चम्मच इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। हम घर में जो नॉर्मल चम्मच इस्तेमाल करते हैं मैंने वो ही ली है। हम जैसे चपाती का आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा हमें तैयार करना है, तो इसमें ज़्यादा मोयन की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम अच्छी तरह से आटे के अंदर मोयन को मिक्स कर लेंगे। अब जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं उसी तरह से ये आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसमें ध्यान रहे कि ज़्यादा मोयन ना डालें, नहीं तो जब आप पूरणपोली बेलेंगे तो वो फट जाएगी और आटा भी हमें चपाती के जितना लूज ही रखना है। आटा लगाने के बाद आटे को हम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट देंगे। इस तरह से आटे को रेस्ट देना ज़रूरी है। आटा अभी लग चुका है तो इसे ढककर हम रहने देंगे 20 से 25 मिनट। इतना आटा गूंदने में मैंने 1/4 कप पानी यूज किया है। जब कुकर इस तरह से ठंडा हो जाए यानी कि उसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तब उसे हम खोलेंगे। हमारी दाल अभी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है तो उसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को इस तरह से थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कूट कर डालें ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। मैंने 2 कप चने की दाल ली थी तो 2 कप अभी गुड़ लिया है। आपको जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप ले। हम पहले इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद गैस के ऊपर रखेंगे और पकने के लिए। अगर मिक्स करने के बाद आपको लगे कि ये कम मीठा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर और गुड़ की क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब इसको हम गैस के ऊपर रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी। इस तरह से पूरन को तैयार करने के लिए या तो आप कुकर, नॉनस्टिक या तो फिर भारी तलिए वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें ताकि हमारा पूरन जो है वो नीचे से चिपके नहीं। 2 से 3 मिनट के बाद ही गुड़ जैसे जैसे मेल्ट हो जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से लूज होती जाएगी। हमें इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना ज़रूरी है। हमने वैसे तो कुकर का इस्तेमाल किया है लेकिन आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि नीचे से वो थोड़ा चिपक जाए। जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा उसका पानी कम होता जाएगा और हमारा जो पूरन है वो फिर से गाढ़ा होने लगेगा। पूरन हमारा बनकर तैयार है कि नहीं उसे चेक करने के लिए आप
स्पैचुला को इस तरह से बीच में खड़ा करें। अगर वो खड़ा रहता है तो आपका पूरन बनके तैयार है। 10 से 12 मिनट का अभी समय हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरन अभी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जब पूरन की कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी हो जाए तो बीच में आप स्पैचुला को रखें। स्पैचुला अभी स्टेडी है तो अभी हमारा पूरन बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जायफल इसके अंदर डालेंगे। जायफल को मैं इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आपके पास जायफल का पाउडर रेडी है तो वो भी आप इसके अंदर आधा चम्मच डाल दें। इलायची और जायफल का फ्लेवर पूरन पुली में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ज़रूर से डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पूरन के अंदर कोई कोई जगह पर चने की दाल दिख रही है और अगर बेलते वक्त ही बीच में आ जाएगी तो हमारी पूरन पुली फट जाएगी। अब हम पूरन के अंदर हैंड ब्लेंडर चला देंगे ताकि चने की दाल के छोटे छोटे जो टुकड़े अभी है वो भी टूट जाए और हमारा पूरन अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप ये प्रोसेस उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास फूड प्रोसेसर नहीं होता है, लेकिन ये वाला हैंड मिक्सर तो सभी के घर में होता है। हैंड ब्लेंडर चलाने के बाद पूरन का जो कलर है वो भी इस तरह से चेंज हो जाएगा। जब तक हमारा पूरन ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को अच्छी तरह से मल लेंगे। आटे को मैंने 20 से 25 मिनट तक भिगो के रखा था। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें से हम बहुत ही आसानी से पूरन पुली तैयार कर पाएंगे। आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद इसके अंदर से हम मीडियम साइज के गोले तैयार करेंगे। पूरन अभी ठंडा हो चुका है और उसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। पूरन पुली बेलने के लिए चावल का आटा हम इस्तेमाल करेंगे। बेलते वक्त चावल का आटा लगाने से पूरन पुली को हम बहुत ही आसानी से बेल पाएंगे। चावल का आटा बहुत ही स्मूथ होता है तो खाते वक्त ये हाथों में भी नहीं लगता है। अब इसमें से हम पूरी के साइज की पहले चपाती बेल देंगे। अब इसके अंदर हम पूरन का स्टफिंग डालेंगे। तो पूरन का जो स्टफिंग है उसमें से हम इस तरह से पहले एक गोला तैयार करेंगे और इसे बीच में रखेंगे और चारों साइड से इसे बहुत ही अच्छी तरह से बंद करेंगे। अगर ये ठीक से बंद नहीं हुआ है तो बेलते वक्त ही फट जाएगा और पूरन बाहर आ जाएगा। अब फिर से इसके अंदर हम चावल का आटा लगाएंगे और उसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। याद रहे कि बेलते वक्त हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो हमारी पूरन पुली फट जाएगी। और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है वो पार्ट को हम ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से इसे बेल देंगे। जब आपको इस तरह से थोड़ा सा पूरन दिखाई दे तब आप बेलने का बंद करें। अगर आप ज़्यादा पतली पूरन पुली बेलेंगे तो वो फट जाएगी। पूरन पुली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जिस पार्ट को हमने ज्वाइन किया था वो पार्ट हम नीचे रखेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है और 2 मिनट के लिए हमें इसे सिकने देना है। 2 मिनट हो जाने के बाद उसे हम पलट देंगे। जब दूसरी ओर से भी हमारी पूरन पुली सिक जाएगी तब ये इस तरह से थोड़ी सी फूलने लगेगी। आप चाहे तो इस तरह से पूरन पुली बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करनी है तब आप उसे दोबारा गर्म करके उसके ऊपर घी लगाएं, या तो फिर आप बनाते वक्त ही उसके ऊपर घी लगा सकते हैं। पूरन पुली को हमें 2 साइड से घी लगाना होता है, तो 1 साइड घी लगा कर उसे हम पलट देंगे। पूरन पुली को पलटने के लिए इस तरह का जो चौड़ा स्पैचुला आता है उसका इस्तेमाल करें तो आप पूरन पुली को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। जब पूरन पुली थोड़ी सी फूल रही हो तो दूसरी ओर से स्पैचुला को थोड़ा सा दबाएं तो पूरन पुली इस तरह से पूरी फूल जाएगी। अब हम दूसरी साइड भी इसके ऊपर घी लगा देंगे। अगर आप कम घी खाते हैं तो 1 साइड भी घी लगा सकते हैं। इस तरह से हम सभी पूरन पुली तैयार कर लेंगे।
अभी हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली बनकर तैयार है, जिसे मैंने घी के साथ सर्व किया है। तो इस तरह से आप ट्रेडिशनल तरीके से पूरन पोली घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और पूरन पोली की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।